हेलो एवरीवन, दिस इज अमायरा। आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 29th of March आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि का। आपके आए हैं दी सन एंड दी हर्मिट। बहुत ही कॉन्ट्रास्ट जो है एनर्जीज आप लेकर के आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे लाइफ में जॉय हैप्पीनेस आपको दिखाई देता है आज के दिन में, वहीं पे आप बहुत ज़्यादा अलूफ और अलोन भी हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मन जो है आपका मुझे बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपको कई बार क्या होता है लाइफ में, अगर कुछ अच्छा भी हो जाता है तब भी हम अपनों को मिस करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारी खुशियाँ बांटने के लिए भी हमारे आसपास कुछ नहीं होता, या फिर हम किसी को स्पेसिफिकली मिस कर रहे होते हैं कि आज मेरी लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ मुझे मिली है और मैं उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। जिसके साथ साझा करना चाहते हो अगर वही जीवन में ना हो तो आप अलूफ और अलोन फील कर सकते हो। तो बस वैसी ही एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे आज के आपके दिन में नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के दिन पॉजिटिव और अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन समहाउ आप किसी को मिस कर रहे हो और उसको मिस करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा अकेला भी महसूस कर सकते हो। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है येलो। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि का आपके लिए आए हैं 10 of Coins एंड दी डेविल। आपके पास पैसा धन तो बहुत है, लेकिन कोई है जो सांप की तरह बिल्कुल कुंडली मार करके उसके ऊपर बैठ गया है। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में नज़र आती है। कहीं से कोई बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ी पेमेंट आपकी आनी है, लेकिन वो किसी की वजह से होल्ड हो रखी है, वो रिलीज़ नहीं कर रहा है सामने वाला इंसान। तो यहाँ पर जो दुविधा है ये यूँ की यूँ बनी हुई है। आज भी मुझे ये पेमेंट रिलीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोग आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी हैं, आपको लेकर के बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचते, सांप की भूमिका में आपके साथ बैठे हैं। यानी कि मुँह पर शायद बहुत अच्छे और बहुत मीठे होंगे, लेकिन किसी भी हाल में आपका भला नहीं चाहते हैं। आपको उन लोगों को जानने की ज़रूरत ज़्यादा है। जितनी जल्दी आप उन लोगों को जान लेंगे, आपका जो काम अटका हुआ है ना, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है रेड। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 1 जो है आपके लिए लकी रहेगा। आगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का आज आपके लिए आए नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। क्या बात है, प्यार ही प्यार जो है आज भरपूर आपके जीवन में मुझे दिखाई देता है। आज का जो दिन है वो प्यार भरा ही रहने वाला है। यानी कि अगर आपके मन में किसी को लेकर के कोई फीलिंग्स है तो आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे से बढ़ करके सामने वाला इंसान भी आज आपको प्रपोज कर सकता है, कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, लव ऑफर्स आ सकते हैं। जो लोग जॉब का वेट कर रहे थे, आप लोगों को जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं। सामने से किसी इंसान के साथ ऐसी मीटिंग होगी जो आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकते हैं। कलर आपके लिए लकी रहेगा ब्लू। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि का आपके लिए आए हैं दी वर्ल्ड एंड दी वर्ल्ड। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल फील कर सकते हो आज की डेट में। आपको ऐसे लग रहा है कि बस जैसे कि आप बोलते हैं ना, मुझे अमृत मिल गया हो, मैं तृप्त हो गया हूँ और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वैसी फीलिंग्स के साथ आज आप जीने वाले हो। आपका कहीं ना कहीं अब्रॉड ट्रैवल मुझे यहाँ पर आज इंडिकेटेड है। यहाँ पर चांसेस आ वेरी हाई कि आप कहीं बाहर अपने काम को लेकर के अब्रॉड ट्रैवल जो है कर सकते हो, कोई इवेंट अटेंड करने के लिए जा सकते हो। आप यहाँ पे कोई डांस फंक्शन भी है, डांस इवेंट भी अटेंड करने के लिए बाहर जो है ट्रैवल कर सकते हैं कैंसर। बट अदरवाइज अगर हम समअप करें तो जो दिन है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काम को लेकर के सुपर लकी दिखाई दे रहा है। चारों दिशाएं जो हैं वो आपके फेवर में मुझे आज काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। कलर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ब्राउन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। यानी कि सिंह राशि का आपके लिए आए हैं 9 of Wands एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी स्ट्रगल भरा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक काम को करने के लिए कई बार होता है ना, हमारे को 3 बार मेहनत करनी पड़ती है, सीढ़ी चढ़ो फिर नीचे, फिर सीढ़ी चढ़ो फिर नीचे, वैसी एनर्जी है आज के दिन की। यानी कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, किसी चीज़ को बार बार अगर आप करोगे और वो चीज़ उसमें फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर सकते हैं, वैसी एनर्जी आज आपके लिए दिखाई देती है। कलर की यहाँ पे हम बात करें तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि का आज आपके लिए आए हैं 6 of Cups एंड 10 of Coins। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, मतलब फैमिली इज कमिंग टुगेदर, ऑल आर कमिंग एट वन प्लेस सेलिब्रेटिंग। आप लोग इंजॉय कर रहे हो, घर के अंदर कोई फंक्शन है, दादा दादी बैठ के पोता पोती को कहानियां सुना रहे हैं। एक गेट टुगेदर यहाँ पे फैमिली का काफी बड़ा गेट टुगेदर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर में बच्चों को लेकर के काफी सारी खुशखबरी जो है यहाँ पे सुनने को मिल सकती है। आपको किसी पुराने स्कूल फ्रेंड से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। कुल मिलाकर के दिन
खुशियों से भरपूर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ऑरेंज। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। लिब्रा कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स एंड दी जजमेंट। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। रिकंसिलेशन भी नज़र आती है, यानी कि अगर आप किसी अपने पुराने लव पार्टनर को याद कर रहे हो तो उनके साथ में आपकी बातचीत, उनका कोई टेक्स्ट आ सकता है, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा सैड भी जो है आज आप फील कर सकते हो, और मैं इतना बोल रहा हूँ कि सैड भी इतना ज़्यादा कि थोड़े से आंखों से आंसू तक भी छलक जाएंगे। ऐसे में जब आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको कुछ भी नज़र ना आए, तो वहाँ पे भगवान के नाम की जो एक लाइट है और जो रोशनी है वो हमेशा हमारे मन को एनलाइटन कर सकती है। तो आज की जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको किसी ना किसी टेंपल की या किसी स्पिरिचुअल जगह की विजिट जो है करनी चाहिए। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है पीच। नंबर की बात करो तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो कार्ड्स आपके लिए आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा दिन रह सकता है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी लोगों के केस में आंखों का ऑपरेशन पॉसिबल दिखाई देता है। काम को लेकर के इमीडिएट ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये ट्रैवल बहुत ही फ्रूटफुल भी साबित होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो आज के दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। आज का दिन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए नहीं बना है। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे तो पछताना पड़ सकता है, यानी कि फैसला गलत हो सकता है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ब्लू। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि की, जो है सेजिटेरियस। कार्ड्स आपके लिए आए नाइट ऑफ वॉन्स एंड दी स्ट्रेंथ। हिम्मत बनाए रखो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, हिम्मत नहीं हारनी है। आज का दिन भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। गिव अप नहीं करोगे तो सक्सेस 100% आपको जरूर मिलेगी। काम को लेकर के आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आज आपको फेस करनी पड़ेगी। इस ट्रैवल के अंदर थोड़ा सा डिले हो सकता है। काम करना चाहते हो और बार बार होता ना, अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आती है, ब्लॉकेजेस आती हैं, वैसा दिन आपका रहने वाला है। लेकिन एक दिन की एनर्जी मुझे उसके बाद में कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके लिए दिखाई देती हैं। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है रेड। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कार्ड्स आपके लिए आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी हाई प्रीस्टेस। यानी कि आपकी सक्सेस ने शांति के साथ आवाज़ करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज का जो दिन है वो काफ़ी पॉजिटिव परिवर्तन, मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। हाई प्रिस्टेस ये इंडिकेट करती है कि अपने लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कर लीजिए, उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएंगे। आज से आपका सही समय, अच्छा समय भी शुरू हो रहा है, जो कि आपके फेवर में जा करके ही काम करेगा। आपकी इंट्यूशन पावर भी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं कि क्या आपके लिए करना सही है और क्या नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन को आपने सुनना है, उनको वैल्यू करना है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ब्लू। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस कार्ड्स आपके लिए आए हैं 9 ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ कप्स। पैसों के मामले में लॉस का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी बड़ा नुकसान आज आपको जो है उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी सैडनेस, आपकी जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रोना धोना भी फैमिली में जो है देखने को मिलेगा। कोई ना कोई बुरी खबर भी जो है फैमिली मेम्बर से रिलेटेड आपको सुनने को मिल सकती है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ग्रीन। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, कार्ड्स आपके लिए आए हैं पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्स। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए जो है मुझे आज आप नज़र आ रहे हैं। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। प्यार के मामले में भी मुझे यहाँ पे इंतज़ार ही आज आपके लिए दिखाई दे रहा है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है ब्लू। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।